बताइए कहाँ पहुंचे। ब्रेक के पहले जितनी चर्चा हुई उसको आप में से कौन समराइज करेगा? हाँ जी, पीछे माइक दीजिए, जो भी बोले थोड़ा सा पीछे वाले नज़दीक। जो देखा कि आपने जो सबसे पहले बताया था कि भाई हम किसी भी चीज़ को अगर देखते हैं तो सबसे पहले स्वयं पे लागू करते हैं, अगर वो स्वयं पे लागू हो जाती है तो हमको उसको किसी और को बता के प्रैक्टिकल करना है कि हाँ वो हमने किसी को बताया है, और अगर वो वास्तव में वो भी अपना रहा है तो वो यूनिवर्सल के साथ साथ लॉजिकल भी हो जाती है, लॉजिकल के साथ साथ वो अगर वो भी अगर किसी को समझ के किसी आगे रेप्लीकेट कर पा रहा है तो मतलब वो रेप्लीकेबल भी है। रेप्लीकेट होने के साथ साथ अगर वो हम उसको देख रहे हैं कि हाँ कि वो भी अप्लाई कर रहा है तो वो वेरीफिकेबल भी है। अगर हमको स्वयं को सुधारना है तो स्वयं को सुधार ही संसार का एक सुख माना जाता है, कि अगर हमने अपने आप में चेंज कर लिया दैट मीन्स हमने सभी को चेंज कर लिया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि परिवार, अगर हम देखते हैं कि हाँ हम टोटल मतलब परिवार किसको समझते हैं, तो परिवार ये कि जहाँ पर हम जिनके साथ समय व्यतीत करते हैं, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो या वो कुछ सभी हो। तो और समझ लेते हैं तो बस ये है कि उसको हम कितना अपने जीवन में उतार पाते हैं, वही सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर मगर कुछ नहीं है, पहले ही बोला था अगर मगर की भाषा नहीं चलेगी। क्लियरली ये सुना, ये समझ में आया, ये ठीक नहीं लगा, ऐसा भाषा चाहिए। हाँ, पहले हम केवल और केवल जीने के पर्पस से जीते थे, मतलब जिंदा रहने के लिए। अब जीना किस तरह से है वो हम समझ में आया कि किस तरह से अपने आप अभी को जीना। जीना जीना कहाँ शुरू किया, अभी तो शुरू ही नहीं किया है। चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। हाँ, जितनी बातचीत हमने की उसमें मुख्य रूप से हम जीने को पहचानना चाहते हैं। कुछ बोलना चाहते हो? हाँ जी, माइक इधर दीजिए। पालतू जानवर होते हैं, कुत्ते वगैरह, ये सब भी मतलब जिस जगह पर बैठ गए हैं तो उसे साफ करके बैठते हैं, यानी कि कल्पना और कर्म स्वतंत्रता दोनों हैं, इस वजह से उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच माइंड में है जब भी वो बैठ रहे। या जैसे अपन पालतू गाय होती है, या तो कहते हैं डॉल्फिन कहते हैं, सबसे ज़्यादा पालतू माना जाता है, तो ये किस श्रेणी तो में? इसका मतलब यह हुआ कि मानव के साथ रहने के कारण किन्हीं चीज़ों को हम उसको मनवा पाते हैं, तो वो मानव के साथ रहने का प्रभाव है। वो जंगल में रहता तो बहुत सारे वो काम नहीं करता जो वो काम कर रहा है। इसका मतलब है कि जीव जिसको पशु हम कह रहे हैं उसमें कल्पनाशीलता नहीं है, लेकिन मानव उसको जैसा ट्रेन करता है, तो मानव जैसा ट्रेन करता है वैसे कोई चीज़ें उसमें इन्वाइव होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन उसी के आगे बच्चों में फिर वो चीज़ें रहेंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। सर, इसके अलावा हमने अहंकार की बात की थी, तो अगर जैसे अपन रूप बल धन पद की बात करें, तो अगर धन कोई अपनी मैं अपनी मर्जी से खर्च करना चाह रहा हूँ, मेरे को पता है मेरी कैपेसिटी है, मैं 12-15 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ, तो अगर कोई दूसरा है तो उसको तो अहंकार लगेगा, तो अहंकार सब तो किसी और के प्रोस्पेक्टिव से हुआ, बिल्कुल ठीक है, तो मेरे स्वयं के अंदर कहाँ पर आया? बिल्कुल ठीक है, अभी तो नहीं आया। तो यही चीज बल और पद के साथ भी हो सकती है। हो सकती है, इसको और आगे समझेंगे, क्वेश्चन आपका ठीक है। और सर, अहंकार और मर्यादा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे फिर तो? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आप माइंड मत करना, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने किसी ने, तो आपने कहा था कि अगर आपको वहां पर स्टेज पे आकर के या तो आप बोलने लग जाएं या मैं बोलने लग जाऊं, तो किसी और के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए वो तो अहंकार हो ये सकता है, तो अहंकार हो सकता है, और बिल्कुल एक ठीक। मर्यादा भी हो सकती है स्टेज की, कि मतलब आप चाहते हैं नहीं कि नहीं बेसिकली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो ही सकता है और उसको बातचीत करके हम रिजोल्व कर ही सकते हैं। तो खास काम की बात क्या निकली, तो काम की बात इतनी निकली कि मैसेजिंग बहुत क्लियर हो, आपका समय कीमती है ये आपको कितना पता है, ये आपको देखना है, लेकिन सभा का समय कीमती है ये तो हमको स्वीकार होता ही है। तो अब कम से कम अब लगभग हम सब भी उस मैच्योरिटी के स्थिति में हैं जहाँ वाकई में हम बहुत धार के साथ में चले। 7 दिन बाद यदि हमको भरोसा होता है कि कुछ बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, तो इसका हमारी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है, हमसे जुड़े लोगों पे फ़र्क पड़ता है। और हमारे कोई एक व्यक्ति भी, आज पहला दिन है इसलिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को पास करना होता है, क्योंकि अगले 7 दिन हमको साथ साथ चलना है। तो आपको अपने बोलने पर यह पता रहे कि यार मेरे को कुछ बोलना, कई बार हम सभा को प्रभावित करने के लिए बोल रहे होते हैं,
कई बार हमारे पास कुछ होता है इसलिए हम अपना बताने के लिए बोल रहे होते हैं। तो मेरे को लगता है ये सभा उस तरह की नहीं है। यहाँ सीधा सीधा हम किसी दर्शन के सामने हैं, तो दर्शन को सुनने का क्या एक स्वरूप रहता है और उसमें अपनी ज़िंदगी को कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर ले जाएं, और यदि आप में से किसी की भी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होती है तो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी पर प्रभाव डालती है। इसलिए कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल क्लियर कट कहूँगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उस समय सुनने में अच्छा ना लगे पर लास्ट दिन तक अच्छा लग जाएगा। बढ़िया, हाँ जी बोलिए। हेलो जी 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 जी, मैं इस बात को आगे बढ़ाता हुआ, क्योंकि अभी तक मेरी भी कल्पना शक्ति यही थी कि अन्य जीवधारियों की तरह इंसान भी वही काम करता है, बहुत सारे काम। लेकिन सोम भाई ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई, दो चीज़। एक तो उसकी इंसान की जो है वो कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन है, वो शायद उस पर बात हुई। दूसरा है कि वो सम्मान या सुख चाहता है, और उसके लिए उसके जो सम्मान और सूचक के जो पैरामीटर्स है वो मेरे को लगता है यूनिवर्सल नहीं है। जैसे आपने रंग रूप पद ओहदा ये सब जो है कोई इसका वो नहीं है। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, वो ट्रक के पीछे लिखा हुआ बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, लेकिन वो बुरी नज़र अफ्रीका। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें परमानेंट उसको वो नहीं देते हैं। ये बात भी आपने अच्छी कही। देखिए ये एक एक बात पर ना फिर हमारा बारीक में ध्यान जाएगा। बहुत बढ़िया। जैसे भी बोलते बोलते आपने कहा कि ये पैरामीटर यूनिवर्सल नहीं है, जबकि सम्मान और पहचान और मानव में सुख की तलाश यूनिवर्सल है कि नहीं है, ये बात पे ध्यान गया। तो मानव में सुख की तलाश, सम्मान की तलाश, पहचान की तलाश यूनिवर्सल है। यदि ये मानव में यूनिवर्सल है तो उसका आधार भी यूनिवर्सल होगा, जबकि रूप बल धन पद यूनिवर्सल नहीं है। इसका मतलब एड्रेस रॉन्ग है। वो क्या था, कौन सी पिक्चर थी, ओ माई गॉड, रॉन्ग नंबर। तो ये रॉन्ग नंबर हो गया। तो ये रॉन्ग नंबर है। हाँ जी और बोलिए। गुड, बढ़िया सर। मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। कहाँ हो आप? आपके सामने। हाँ हाँ जी, सामने तो सारे ही हैं। पर बुड्ढा हूँ, उठने में थोड़ी देर लगती है। बुड्ढा का आप तो बहुत जवान। Apparently, if you look at it, there's nothing wrong. But ये भाई को ये भी सोचने की जरूरत है कि ये 15 लाख आपने कमाए कैसे? नहीं, इसलिए मैंने कहा कि अभी अभी पहला दिन है ना। रुको रुको रुको, आप भी रुको, आप भी रुको। नहीं सर, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं। रुको रुको रुको, अभी वहां अभी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच रहे हैं। ना। उसका वो डाउट तीसरे दिन तक चौथे दिन तक बना रहेगा। अच्छा है, वही तो अभी। अच्छा ठीक, अच्छा है, अच्छा देखो स्थिति निकल के आए और वो आपको स्वीकार हो जाए तो जिंदगी बदल देगा। मैं कोई आंसर देता हूँ वो आंसर नहीं होता है, इसलिए कोई कोई चीज को मैं होल्ड पे डाल दूंगा। और फिलहाल मेरे को लगता है अभी इस बात में रुकने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, इसको लेट गो कर दो। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, और जब उसका बेस बन जाएगा तब वो अपन से काफी अच्छी बात करेंगे जी। क्योंकि उसके और भी कई सारे तार हैं जो अभी नए निकले हैं। एक पहचान सम्मान की हमने बात की थी, रूप बल धन पद और बुद्धि। सर कर्म भी एक तरीके से पहचान का वो हो सकता है बेस, क्योंकि यहाँ पर हमने उसकी कोई बात नहीं की। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कर्म किसी कंडीशनिंग से आता है या कर्म किसी यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग से आता है उस पर डिपेंड करेगा। नहीं, जैसे जो मैं सोच पाया हूँ कि अगर किसी में बुद्धि नहीं है, अगर वो कर्म कर अपना काम कर रहा है तो भी हम मानते हैं कि नहीं यार ये आदमी बहुत अच्छा काम करता है। पर अगर किसी में बुद्धि है और वो कोई काम नहीं करना चाहता है तब भी हम उसे कोई पहचान नहीं मान करके उसे गया। ऐसा होता नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ अभी चीज़ें सामने नहीं आई हैं, अभी कल्पना मत दौड़ाओ, अभी बात नहीं बनेगी। अभी जितना बोर्ड पे चल रहे हैं उसी के साथ साथ चलते हैं। हाँ जी आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते हैं। तो जितनी हमने बात की है अभी एक आधी पिक्चर सामने आई है, चलिए जीने की ओर शुरू करते हैं। जीने को शुरू करें तो अब हम देखना चाहते हैं कि जीने किसको बोल रहे हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि क्या जीना नहीं है। जैसे अपमान के साथ में जीना होगा कि झेलना होगा, ठीक है, गरीबी के साथ, अनिश्चयता के साथ, असुरक्षा के साथ। तो इससे ये समझ में आया कि जितना भी नेगेटिविटी है उसके साथ में जीना नहीं होता है। तो जीना किसके साथ होता है?
तो बोला स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जीना होता है। अब ये स्वयं के प्रति विश्वास को थोड़ा समझना होगा। देखिए बोलचाल की भाषा में हम बहुत सारे शब्द यूज करते आए हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी जब हम सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल रहे होते हैं तो वाकई में यदि सेल्फ समझ में आएगा तब ना कॉन्फिडेंस समझ में आएगा। सेल्फ तो समझ में आया नहीं, तो अभी जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट बोल रहे हैं वो ईगो ही होता है। मेरा वो आत्मसम्मान हर्ट हो गया। आत्मसम्मान कभी हर्ट होता ही नहीं। यदि आत्मसम्मान सही अर्थों में होगा तो वो हर्ट हो जाए ऐसा होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे शब्द एकदम अलग है और उसका मीनिंग अलग है। तो स्वयं के प्रति विश्वास को थोड़ी सी और खोलते हैं तो मैं आपके सामने दो क्वेश्चन रखता हूँ। जैसे एक कह रहे हैं कि गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास, खाना बनाने के प्रति विश्वास। तो खाना बनाने के प्रति विश्वास, गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास, दोनों में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग है कि नहीं है? कैसे अलग अलग है? माइक। गाड़ी चलाने का मतलब है कि हमारे अंदर स्किल है कि हम गाड़ी चला सकते हैं, तो वो स्किल कॉन्फिडेंस है। और जब स्वयं के प्रति विश्वास की बात कर रहे हैं तो वो स्वयं पे विश्वास होना है कि मैं मतलब कह सकते हैं कि गाड़ी चलाने का जैसे हम कहना स्किल कॉन्फिडेंस, तो स्वयं के हाँ जी बच्चों को थोड़ा प्यार से समझाइए। सब सबका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। नहीं नहीं आराम से ऐसे नहीं सम्मान से लेके बाहर जाइए, थोड़ा समय उनके साथ लगाइए। वो बोल रहे हैं हमारे आने के पहले समझदार क्यों नहीं हुए तुम लोग। हाँ जी हाँ, तो हम कह रहे हैं ना कि गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास अलग कैसे है? तो गाड़ी चलाना एक ड्राइविंग कह सकते हैं, एक स्किल है, तो वो हमारा स्किल कॉन्फिडेंस है। और स्वयं के प्रति विश्वास है वो लाइक सुख से रिलेटेड है कि जो हम कहते हैं कि हमारे संबंधों में तृप्ति होना या हमारे स्वयं में विश्वास होना कि हमें किसी और। चलो आगे एक पॉइंट और आगे चर्चा करते हैं पूरी सभा के लिए। गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास कैसे आया? गाड़ी चलाने से आया, गाड़ी को सीखने से आया, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर हैंडल सबका आपस में तालमेल समझा। स्वयं के प्रति विश्वास कैसे आएगा? स्वयं को जानने से आएगा। तो स्वयं को कहाँ से पकड़ूँ, क्या चीज़ को पकड़ूँ कि स्वयं पकड़ में आ जाए? स्वयं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना कि हर्ट है, और तो स्वयं को कैसे पकड़ूँ? स्वयं के प्रति विश्वास आएगा तो स्वयं को समझ के आएगा, क्योंकि गाड़ी के प्रति विश्वास गाड़ी को समझ के आया है। तो स्वयं को कहाँ से पकड़ूं या स्वयं में स्वयं को कैसे समझूं? स्वयं मतलब क्या? है माइंड सेट मतलब क्या? हमारी मानसिकता क्या है जो मैं काम कर रहा हूँ हर बार, कभी मेरी इच्छा होती है कि मैं यार फर्स्ट फ्लोर पर रुक जाऊँगा, कभी सेकंड फ्लोर पर, कभी एक पूरी खा लूँ, चलो अच्छी लग रही तो दो भी खा ली, तो मतलब मेरे माइंडसेट क्लियर नहीं है। तो माइंडसेट बोलने से एक आदमी का माइंडसेट कैसा होगा, उसको कैसे पकड़े? यही तो पता नहीं है सर, यही तो पता करना है सर। पीछे दीजिए। स्वयं से मतलब है अपने भाव और विचार, है ना? तो ये क्लैरिटी बने कि बेसिकली जब हम कह रहे हैं कि स्वयं के प्रति विश्वास, तो ये कह रहे हैं कि अपने भाव और विचार के प्रति विश्वास, कि मेरा भाव और विचार हमेशा सुखदाई है, मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदाई है। ऐसा अपने भाव और विचार को पकड़ा। तो जब स्वयं के प्रति विश्वास बोल रहे हैं तो स्वयं का मतलब है कि स्वयं का भाव और विचार। भाव और विचार रुक रुक के चलता है कि 24/7 चलता है? हमेशा चलता है। और हम सुखी दुखी होते हैं
तो अपने भाव और विचार से होते हैं या दूसरे की वजह से होते हैं? अपने भाव और विचार की वजह से। कोई व्यक्ति एक बात, कोई एक ऑफिसर 10 लोगों को बुला के एक डांट लगाता है, एक उसमें से हंस के चला जाता है, एक उसमें से सुसाइड कर लेता है। इसका मतलब है कि किसी एक ही बात से सभी लोग एक तरह से प्रभावित नहीं होते हैं। और कल तक मैं किसी बात से जितना प्रभावित होता था, आज वैसा प्रभावित नहीं होता हूं, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे ये पता चला कि मेरे भाव और विचार का कोई ऐसा मामला है जिसमें से कि उसका प्रभावित होना और ना प्रभावित होने की कोई दुनिया बनती है। इससे ये भी समझ में आया। हाँ जी, एक एक लाइन के साथ फॉलो करते जाइए और कोई गैप होगा तो बिल्कुल बोलिए। इससे ये भी पता चला कि मैं दूसरों के कारण दुखी होता हूं या मैं स्वयं दुखी होता हूं, दूसरे मुझको दुखी करते हैं या मैं दुखी होता हूं। क्या ठीक रहेगा? मैं दुखी होता हूं, किसी ने एक बात बोली, उसने बोली ये उसकी अज्ञानता थी या उसने बोली ये उसकी स्थिति थी, लेकिन मैं उससे कितना दुखी होऊंगा या नहीं होऊंगा ये मेरी स्थिति पे निर्भर करता है। तो यहां एक बात बोला कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। स्वयं के प्रति विश्वास होगा तो इसका क्या मतलब है? स्वयं के प्रति विश्वास एक बुलेट प्रूफ जैकेट के जैसा है। सामने से गोलियां चल रही तड़ातड़ और आपने बढ़िया बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है, तो गोलियां टकरा रही हैं और आपसे झड़के नीचे गिर जा रही। तो बुलेट प्रूफ जैकेट का मतलब है कि स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है कि दूसरों की अयोग्यता से मैं प्रभावित नहीं होता, इसका नाम स्वयं के प्रति विश्वास है। जितना स्वयं के प्रति विश्वास पूर्ण होगा उतना मैं अप्रभावित रहता हूं। और क्षमा की बहुत बढ़िया परिभाषा है, अप्रभावित रहना ही क्षमा है। किसी बात से हम अप्रभावित रह जाएं तो ही सही अर्थों में क्षमा है। सुन के चुप रह गए, अंदर अंदर तो चल ही रहे ना, मुंह से नहीं बोला, इतना ही किया। तो गुस्से के दोनों प्रकार हैं, एक में हम फट पड़ते हैं, दूसरे में हम उसको पी लेते हैं, लेकिन प्रभावित तो होते ही हैं, याद तो रखते ही हैं, पीड़ित तो होते ही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है, और दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना ही मेरी अयोग्यता है, और दूसरों की अयोग्यता को योग्यता में बदल देना ही मेरी योग्यता है। कुल कहानी इतनी है। तो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना नंबर एक, दूसरों की अयोग्यता को योग्यता में बदलने की क्षमता रखना नंबर दो, और सामने वाला चाहता है कि मिलके कुछ समझ सकते हैं तो उसके लिए सहयोग उपलब्ध करा देना नंबर तीन। तो मूल बात ये कह रहे हैं कि सामने वाला, फिर से पूछ रहा हूं, सामने वाला मुझको दुखी करता है कि मैं दुखी होता हूं? मैं दुखी होता हूं। इस गैप को पहचान पाना कि सामने वाला, अधिकांश केसेस में तो सामने वाला, जैसे घर में किसी को ऊंची आवाज में बात करने की आदत है, किसी को गाली से शुरू करने की आदत है, किसी को हर बात में दूसरे की गलती देखने की आदत है, और मेरे को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो यदि दूसरे की चुगली करता है या दूसरे के बारे कोई कमेंट करता है, वो मुझको दुखी करने के लिए करता है या उसकी ऐसी स्थिति है? उसकी ऐसी स्थिति है, लेकिन उससे मैं दुखी होता हूं ये मुझको, है ना, तो मैं दुखी होता हूं क्योंकि मैं उसकी इस अयोग्यता को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। तो पहला काम तो है कि ये देख पाना कि सामने वाला मेरे को दुखी करना नहीं चाह रहा है, उसकी आदत है इसलिए ऐसा कर रहा है, या उसकी परिस्थिति है इसलिए ऐसा कर रहा है। फिर उस अयोग्यता को योग्यता में बदला जा सकता है, वो आगे की स्थिति है। इसलिए यहां से एक बात ये भी निकल के आई कि हम लोग समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? हाथ उठाइए, हम लोग समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? सब झूठ बोलते हैं।
हम लोग समस्याओं से दुखी होते हैं कि समाधान के ना होने से दुखी होते हैं, है ना? धरती पे कोई भी मानव समस्याओं से दुखी नहीं होता। समाधान का ना होना, सॉल्यूशन का ना होना मेरी समस्या है, है ना? जैसे हम लोग को याद है कि टीचर क्लास में जब क्वेश्चन पूछता था तो जिसको आंसर आता था वो क्या करता था? सर 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 सर। और जिसको नहीं आता था वो क्या करता था? दूसरे की पीठ के पीछे अपना सर छुपा लेना ऐसे मुंडी, ताकि टीचर को दिखाई मत दे जाए मेरी आंख से आंख मिल गई और मेरे को बोल दिया। तो इसका मतलब टीचर का क्वेश्चन पूछना प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है? या तो अपॉर्चुनिटी है या वो एक घटना है। अब घटना है, जिसके पास सॉल्यूशन है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, और जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम। इसका मतलब बाहर क्या है? यदि सही अर्थों में देखा जाए तो घटनाएं हैं, और सही अर्थों में देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी है यदि मेरे पास सॉल्यूशन हो तो। तो इससे हमारा ध्यान एक बात पे चला गया कि मेरा सुखी दुखी होना मेरे भाव और विचार की स्थिति पे निर्भर करता है, और मेरे भाव और विचार की स्थिति को मैं बदल सकता हूँ। मेरे भाव और विचार की स्थिति को मैं बदल सकता हूँ, ये जो किन्हीं स्थितियों में दूसरों से प्रभावित होता है इसको मैं उस स्थिति में ले जा सकता हूँ जहाँ ये प्रभावित नहीं होता है। इस तरह मेरी जिंदगी का नियंत्रण हम क्या चाहते हैं? मेरी जिंदगी का नियंत्रण, मेरे सुख दुख का नियंत्रण मेरे हाथ में हो कि दूसरों के हाथ में हो? मेरे हाथ में हो, है ना? तो मेरी जिंदगी का नियंत्रण, मेरा सुख दुख मेरे हाथ में आ सकता है, मेरा सुखी रहना मेरे हाथ में आ सकता है, मेरे भाव और विचार की स्थिति बेहतर हो ये मेरे हाथ में हो सकती है। चाहने के रूप में हम सभी चाहते ही हैं कि मेरे भीतर जितनी हलचल है, जितना आंदोलन है ना, वो शांत हो जाए। एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड की तलाश, एक पीस ऑफ माइंड की तलाश हम सभी को है ही। तो वो जो स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड है, वो जो पीस ऑफ माइंड है, इसका मतलब है स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है कि ऐसा मानव शिकायत के साथ होगा कि शिकायत मुक्त होगा। ऐसा मानव शिकायत मुक्त मानव होगा। शिकायत मुक्त मानव का मतलब ही है कि वो समाधान से युक्त होगा। समाधान का मतलब ही स्वयं के प्रति विश्वास है, तो स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब ही समाधान के साथ में होना है। यहां तक ठीक हो गया? कौन बोल के बताएगा क्या बोला? हाँ जी, जो लोग पहली बार बोल रहे हैं, पहली बार शिविर कर रहे हैं, उनमें से कौन बोलेगा? जितनी चर्चा हुई उसमें क्या कहने की कोशिश की? माइक पीछे, पीछे से पीछे माइक थोड़ा। मुख्य रूप से जो सुख और दुख हैं उनका आशय या उनको आश्रय प्रदाता हम स्वयं हैं, क्योंकि हमारे भाव और विचार ही हमारे चारों तरफ ओरा बनाते हैं, या हमारे जो सुख देने वाले कारण हैं वो इन्हीं में छिपे हुए हैं। यदि हम इनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लें तो हम सुख का कारण बन सकते हैं, यही भाव और विचार। और यदि इनका कंट्रोल किसी दूसरे के उसमें चला जाए, यदि हम प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं या दूसरों के टेम्परामेंट से हम अपने आप को प्रभावित करने लग जाएँ, तो एक किस्म से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारा लूज होगा और उसमें हम फिर दुख का कारण बनेगा। ओम। बढ़िया, ठीक हुआ? आप लोग तो बहुत उदास हो गए। प्रभावित कैसे नहीं होना है उसकी चर्चा तो आगे करेंगे, अभी तो दिख रहा है। पहले रोग पकड़ लें। देखो, अच्छा डॉक्टर आप लोग किस पे, जैसे हम किसी ज्योतिषी के यहाँ गए, ज्योतिषी आपकी कुंडली देख के आपके पीछे की सारी घटनाएं बता देता है, तो सारी घटनाएं सुन के अपने को भरोसा हो जाता है, पीछे की बताएगा तो मतलब आगे भी ठीक बता सकता है। डॉक्टर के पास गए, वो नंबर्स पकड़ के आपका बता देता है आज तो यही है प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ठीक से पहचान लिया तो फिर सॉल्यूशन की उम्मीद हमको बन जाती है। तो अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएं, फिर हल्का सा इशारा, फिर अगले 7 दिन यही करना है। जी, थैंक यू। हाँ जी, दूसरों की अयोग्यताओं से प्रभावित ना होना ही हमारी योग्यता है। और दूसरी बात आपने ये कही कि बाहर सिर्फ घटनाएं हैं,
अगर हमें उनका समाधान पता है तो वो हमारे लिए एक अवसर है, और नहीं पता है तो वो समस्या है। थैंक यू। कहाँ से आए आप? आनंद निकेतन भाड़ज। थैंक यू। थैंक यू, भला हो आनंद निकेतन का। नहीं, बहुत बढ़िया संभावनाएं हैं। अभी ब्रेक के बाद जब परिचय करेंगे तो सारे पुराने मित्रों से परिचय करेंगे, उसमें से बहुत सारे लोग बहुत सारा आशाजनक काम कर रहे हैं, जिसको देख के आपको भी अपने लिए भरोसा होगा कि कैसे मिलके हम सब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कुछ इम्पोर्टेंट हो तो बोलना, नहीं तो क्वेश्चन है। माइक। हेलो सर, जैसा आपने बताया कि हम हमारी योग्यताओं को पहचान सकते हैं, हम उनका निवारण कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी योग्यताओं के पीछे माता पिता भी होते हैं जिनके कारण हम आगे उनको नहीं फॉरवर्ड कर पाते हैं। मैं मेरी एक समस्या का समाधान या फिर मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगा कि जिस तरह से मुझे लगता है कि मैं जो करना चाहता था वो मेरे पिताजी ने मुझे करने नहीं दिया है। 10th क्लास में मैंने बोला कि मुझे बोर्ड चेंज करा दो, नहीं कराया। 12th क्लास में मैंने मुझे कहा कि मुझे कोचिंग करा दो, नहीं कराया। फिर मैंने कहा कि मुझे मतलब आगे फर्दर पढ़ने के लिए मुझे एग्रीकल्चर कॉलेज जाना है, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर दूसरी बात, मैंने ड्रॉप करने के लिए कहा कि मुझे ड्रॉप करने के लिए कोटा जाना है, तो उन्होंने भी मना कर दिया। ऐसे आगे चलते चलते मैंने कहा कि मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का BSc के अंदर 3 जो है सब्जेक्ट जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर लिए, मैं कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर भी नहीं जाने दिया। आगे मैं PhD करना चाहता था, मैंने PhD कर लिया, PhD मुझे हरियाणा मिल रहा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो वो भी नहीं करने दिया। अब ऐसी स्थिति में मैं जानता हूँ कि मेरी योग्यता क्या है, लेकिन उनके पीछे बाधक मेरे पिता या मेरे अभिभावक हैं, तो उनसे मैं निवारण किस तरह चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जैसा मुझे घर छोड़ के चले जाना चाहिए, तभी जाकर मुझे इसका समाधान मिलेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि अगर इस तरह से बंदिश में मैं रहा तो शायद मैं अपने आप को आगे प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, और समय निकल जाएगा, और समय बाद मैं अपने आप को पछताने से बेटर होगा कि उस समय लगे कि हाँ उस समय कुछ कर लिया होता। देखिए, आपका एजुकेशनल कॉन्फिडेंस ठीक है, जिंदगी को लेके स्वयं के प्रति विश्वास में कमी है, तो प्रॉब्लम पिताजी की है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप जो करना चाहते हो उस पर आपको स्वयं के प्रति विश्वास और आपकी वो क्लैरिटी, आपकी वो स्थिरता नहीं है कि हाँ यही उचित है। जब हमको अपने पे क्लैरिटी नहीं होती है या अपने में संकोच होता है तो दूसरे का निर्णय हमारे ऊपर चल जाता है। जिस दिन हमारे को बिल्कुल दीवार की तरह अड़ गई समझ में आता है कि ये ऐसा ही है, उस दिन हम अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, और उस दिन वो बात आगे चलने का भी रास्ता मिल जाता है। लेकिन सर, घर में कई बार ऐसी कोशिश करी है, मैं अड़िग भी रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं आप जैसे कुछ कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो मैं अपने आप से भी करता हूँ, या मेरे साथ दुर्घटनाएं ऐसी हुई है, शायद आप लोगों को लगे कि ये कुछ ऐसा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ का अनुभव किया है। जैसे 10th क्लास में मैंने मेरा पहला बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद मुझे चिकन पॉक्स हो गया, मैंने अलग बैठकर एग्ज़ाम दिया, और उस समय ऐसे थे कि पूरी बॉडी में पस था। 12th में एक्सीडेंट हो गया, ड्रॉप करने के लिए जिस दिन मैं कोटा गया भी था एक साल के बाद, तो सेम डे पे मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई। हम सुबह 6 बजे निकले, 12 बजे वापस वहाँ से न्यूज़ आई कि भाई दादी एक्सपायर हो गई है, वापस आ जाइए। मैंने फिर PMT के लिए तैयारी के लिए सोचा कि चलो यहीं से कर लेते हैं, तो उस PMT के 5 दिन पहले ही मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। फर्स्ट ईयर में मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा हाथ टूट गया, सेकेंड ईयर के अंदर मैंने जब दिया मुझे माइग्रेन हो गया, थर्ड ईयर के अंदर मुझे पथरी हो गई, और अभी आप समझ पाए, मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए सभी को ऐसा लगेगा कि ये कुछ मनगढ़ंत कहानी है जो मेरे साथ हुई है, जिसको मैं शेयर कर, और उसी के लिए मैं इस कैंप में आया हूँ कि मुझे निवारण। ये तो बहुत शुभ घटना है। हाँ सर, आगे सर ये घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई है, मैं आगे आपको और बताता हूँ कि 2021 तक की क्या रही है, एक बार सुन लीजिए, शायद उस कैंप में मुझे आप समझ पाएंगे कि मैं क्या चाहता हूँ और मुझे क्या चीज का मिलेगा। तो उसके बाद फिर मैंने ठीक है कि मैंने MSc जाने नहीं दिया मुझे कहीं पर, तो मुझे मैंने ठीक है चलो गवर्नमेंट कॉलेज से MSc कर लेते हैं। वहाँ पर करीब तो 2018 में मेरा पाइनल ऑर्डल साइनस का ऑपरेशन हो गया है, दोनों बटक्स के बीच में मेरे 15 टांके हैं, उसके कारण फिर मेरा 6 महीने में जो बेड रेस्ट उल्टा रहना पड़ा। उसके बाद फिर ठीक है चलो थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, मैं चलने फिरने लगा, तो सोचा कि चलो मुझे जयपुर चले जाना चाहिए तैयारी के लिए। जयपुर गया तो मेरी ये स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया, आप देख पा रहे हैं स्लिप डिस्क हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 5-7 महीने और लग गए, घर पे रहा, फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद फिर ये स्थिति रही सर कि हेलो
हाँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। लॉकडाउन के बाद सर ये स्थिति रही कि अभी मार्च के अंदर मैंने मेरी माता जी को खो दिया है 17 मार्च को, और पिताजी भी उसी समय सेम टाइम पे एडमिट थे, दोनों एक अलग अलग हॉस्पिटल में थे, भाई भी कोविड इन्फेक्टेड था और केवल मैं ही बचा था। तो मैं उन तीनों को देखभाल घर पे, भाई था एक हॉस्पिटल में, पापा थे और एक हॉस्पिटल में मम्मी थी। पापा को इस चीज़ का अनुभव नहीं था कि मम्मी शांत हो चुकी है। हमने 10 दिन बाद पापा को ये बताया कि हाँ मम्मी अब नहीं रही है, और जिस दिन हमने बताया उसके नेक्स्ट डे मुझे पापा को ड्यूटी ज्वाइन कराने के लिए हॉस्पिटल लेके जाना था। बस सेम डे पे मेरा वापस एक्सीडेंट हो गया, 12 टाके पैरों में आए और फिर मेरे को 4 महीने बेड रेस्ट पे रहना पड़ा। अब मैं ये समझता हूँ कि सर ये घटनाएँ किस तरह से हैं और इनका कोलैबोरेशन पिताजी के साथ साथ कि उन्होंने नहीं करने दिया और कुछ ऐसा कि जो प्राकृतिक रूप से मुझे नहीं करने को मिला। तो अब ऐसा लगता है कि कोई पूछता है कि हाँ भाई क्या कर रहा है, अब मुझे शेम होता है कि बताने के लिए कि मैं क्या करूं। मैं बार बार तो ये नहीं कह सकता कि पिताजी ने मुझे जाने नहीं दिया, मैं बार बार ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ये हुआ है। अब ऐसे में मैं करना चाहते हुए भी नहीं कुछ कर पा रहा हूं, तो उसका समाधान मैं किस तरह से लूं? साथ में देने बात करेंगे। देखिए ये सब संकेत कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि हमको ज़िंदगी की कोई और दिशा में जाना है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो दिशा में आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हो उसमें लगातार कुछ कुछ घट रहा है, तो देखते हैं। लेकिन अभी जितनी आपने बात सुना दी और सभा ने सुन ली, उसमें एक रिक्वेस्ट अब आपसे ये भी है कि इस शेयरिंग के बाद अब आप पिताजी को भूल जाओ, नहीं तो सुन तो नहीं पाओगे। तो पिताजी को भूल जाओ, जो कुछ घटनाक्रम घटा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना, समझने से चीज़ें रिजॉल्व होंगी। तो ठीक है, नहीं कर पाया नहीं कर पाया वाले भाग को छोड़ दो, घटनाक्रम है ये बात ठीक है, उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जिस्टेंस या नियति हमसे क्या कहना चाहती है और मेरे लिए एग्जिस्टेंस में क्या है या मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आज माँ चली गई, कल पिताजी नहीं रहेंगे, ये भी होने वाला है, तो एक एक करके ये सब होना ही है। इस बीच में हमारी ज़िंदगी है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होके, कल आप भी पिता बनने वाले हो, आज नहीं 10 साल बाद 5 साल बाद, तो इसका मतलब है कि जो जिन चीज़ों को आज हम परेशान हैं उन सभी भूमिकाओं में हम भी आने वाले हैं। तो एक मानव के रूप में अपने आप को पहचाना जाए, जो भी संसार में चल रहा है उसके सॉफ्टवेयर को देखा जाए, कहाँ अधूरापन है उसको पहचाना जाए। पिताजी मेरा बुरा तो नहीं चाहते थे, पिताजी ये तो नहीं चाहते थे कि इसका भविष्य उजाड़ दूंगा बर्बाद कर दूंगा इसलिए मैं ये सब करूँ, अपनी मान्यता से वो कुछ अच्छा ही सोच रहे थे जो उनको अच्छा लगता होगा, वो ठीक है कि नहीं है ये आगे की बात है। इसका मतलब है कि हम में से हर एक व्यक्ति अपने में किन्हीं कंडीशनिंग के साथ है, जिसको वो कंडीशनिंग को जैसा मानता है वैसा ही चलता है, इसलिए एक बढ़िया सूत्र है, मेरे को लगता है तुम्हारा दर्द कुछ कम करेगा। हर मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है, हर मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है, सही करने का अवसर और साधन लेकर पैदा होता है। हर मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है, जैसी कंडीशनिंग है वैसा ही करेगा। हमने अपने बच्चों के साथ किया है, जिसको हमने अच्छा माना है वो अच्छा है कि नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के साथ पूरा प्रयोग किया है, एक ऑफिसर के रूप में अपने ऑफिस में प्रयोग किया है और उससे हमने लोगों को बहुत सारे दुख दिए हैं। तो हर मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा हुआ है, वो जिसको सही मानता है वो सही मानते हुए अपनों के साथ उसको पूरी तरह से पुश करता है और बाद में पता चलता है कि वो सही नहीं था और इस बीच में मैंने बहुत सारा नुकसान पहुंचाया है। तो हर मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा हुआ है का मतलब जैसा उसका सॉफ्टवेयर है वैसा वो जीता है, यदि सॉफ्टवेयर गलत है तो वो निर्णयपूर्वक गलतियां करता है, अपनों के साथ करता है ये मान के कि इससे इनका भला होगा। दूसरा, हर मानव सही करने का अवसर और साधन लेकर पैदा हुआ है, तो अवसर के रूप में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता है ही, साधन के रूप में ये शरीर है ही, ये हम सभी लोगों के पास है ही, इसका नियोजन कहाँ करना है, कहाँ इसको लगाना है, शरीर की ताकत को कहाँ लगाना है, मन की ताकत को कहाँ लगाना है, इस पे तय हुआ कि हमारी ज़िंदगी एट द एंड ऑफ द डे कहाँ पहुँचेगी, ये हमारे हाथ में है। तो ये क्लैरिटी बनने से जो कुछ उन्होंने किया अपनी समझ के अनुसार किया, जो कुछ आपने किया अपनी स्थिति के अनुसार किया, अब क्या उचित है क्या अनुचित है, नेचर कैसी है उसको देख लेते हैं, फिर कितनी दूरी है उसको धीरे धीरे पूरा करेंगे। बढ़िया जी, तो एक पॉइंट पूरा किया कि स्वयं के प्रति विश्वास को हमने
तो ये पता चला कि गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास भी स्वयं में है, और खाना बनाने के प्रति विश्वास भी स्वयं में है, और स्वयं के प्रति विश्वास भी स्वयं में है, लेकिन गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास स्वयं में है, गाड़ी चलाने के प्रति है, और स्वयं के प्रति स्वयं में विश्वास भाव और विचार को चलाने के प्रति है। तो मुझको गाड़ी चलाने के प्रति जितना कॉन्फिडेंस है, उतनी ही क्लैरिटी, उतना ही कॉन्फिडेंस मेरा भाव और विचार को चलाना आता है, मुझको मेरे भाव और विचार को चलाना आता है, इसका नाम स्वयं के प्रति विश्वास। तो स्वयं के प्रति विश्वास को लेकर हमने कुछ बातचीत की। स्वयं के प्रति विश्वास है तो उसका मैनिफेस्टेशन, उसका अभिव्यक्ति संबंध के प्रति विश्वास के रूप में दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन आपसे ये है, कौन बोलेगा कि स्वयं के प्रति विश्वास की अभिव्यक्ति या स्वयं के प्रति विश्वास का एक्सप्रेशन संबंध के प्रति विश्वास के रूप में कैसे आता है? नए भी बोल सकते हैं, पुराने भी बोल सकते हैं। स्वयं के प्रति विश्वास कैसे संबंध के प्रति विश्वास में रिफ्लेक्ट होता है? सर, अभी हमने समझा कि भाव और विचार अगर हमारे स्वयं के लिए ठीक है तो हमारा स्वयं के प्रति विश्वास बिल्ड होता है। तो वैसे ही अगर मेरा खुद पे विश्वास है और मेरे रिलेशंस अगर मैं किन के साथ हूँ तो मैं अप्रभावित हो जाऊँगा, तो वो मेरे आचरण से उनको भी लगेगा कि ये अप्रभावित है या इसमें कुछ स्पेशल है, ये कुछ रिलेशन को महत्व दे के काम कर रहा है, तो उससे शायद वो भी हमसे सीख कर वो भी इस क्रिया में वो उनका स्वयं के प्रति विश्वास उनके भाव और विचार पे काम करेंगे, और वैसे जितने हमारे रिलेशंस ठीक होते जाएंगे वैसे ही उतने ही लोग हमसे प्रभावित होकर इस पाथ पर चलने की कोशिश करेंगे, तो हमारे वो विश्वास जो है हमारे प्रति वो रिलेशंस में वैसे दिखना स्टार्ट हो जाए कि हाँ हमारे साथ भी लोग वैसे ही फिर बर्ताव करेंगे। कितने लोगों को लग रहा है कि ये ठीक बोल रहे हैं? कितने लोगों को लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कौन फिर से बोलेगा? हाँ जी चेतना बहन, आ जाओ उधर, स्पीकर है सामने। स्वयं के प्रति विश्वास जब हम बोलते हैं तो हमने बोला कि भाव और विचार की गाड़ी मुझे चलानी आ जाए, तो जब मैं अपना स्टडी करती हूँ या अपने भाव और विचार को देख पाती हूँ तो सामने वाला जो मेरा संबंधी है वो भी एक मनुष्य ही है या वो भी एक भाव और विचार का ही स्वरूप है, तो जैसे मैं अपने भाव और विचार को देख सकती हूँ वैसे ही वो सामने वाले को भी मैं देख सकती हूँ, तभी जाके वो जो संबंध है वो क्लियर होता है। तो स्वयं के प्रति विश्वास से ही वो संबंध के प्रति विश्वास जो है वो बनेगा, क्योंकि मैं अब खुद को समझती हूँ तो सामने वाले को भी समझती हूँ। हाँ जी, मैं इसको थोड़ा और क्लियर इसलिए कहूँगा कि संबंध अपने प्रति जो सम्मान है वो तो हर एक को चाहिए, लेकिन मैं अपना सम्मान करते हुए, जैसे सास अगर ये बोले कि खाना जो है ना मैं जैसा बनाती हूँ है ना तू वैसे नहीं बनाती, तो उसका सम्मान, अगर वो कहती कि नहीं खाना तुम भी बहुत बढ़िया बनाती हो और मैं भी बहुत बढ़िया, अगर गाड़ी मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग चलाता हूँ लेकिन वो कहते नहीं नहीं मैं तेरे से अच्छी गाड़ी चलाता हूँ मैं 80 की स्पीड पे, तो दोनों जो संबंध तभी अच्छे रहेंगे जब हम अपनी भी बात रखें उनकी भी रखें कि गाड़ी तुम भी अच्छे चलाते हो खाना तुम भी अच्छे बनाते हो, शायद मेरा भाव ये संबंधों को ठीक है, दोनों का रेस्पेक्ट। ना बनाता हो तो है जी, ना बनाता हो सामने वाला खाना अच्छा तो कम से कम गुड़ नहीं तो गुड़ जैसी बात तो करे क्योंकि धोखा दे दें, मतलब धोखा देने में बुराई नहीं, थोड़ा धोखा चले मोटिवेट थोड़ा सा वो बुरा। देखिए मैं यहाँ से इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। हेलो, हाँ जी, स्वयं का विश्वास अपने पे हो तो संबंध पे असर आता ही है। कैसे? अगर आपका बॉस कैपेबल है, कॉन्फिडेंट है, तो डेलीगेशन में भी विश्वास करेगा, अपने सबॉर्डिनेट्स को सिखाएगा भी, क्लाइंट से मिलने भी देगा, और कोई असुरक्षा की भावना नहीं होगी। इसी तरीके से अगर सासू को अपने विश्वास है ना तो अपनी पुत्र वधू की ग्रोथ को रोकेगी नहीं, ये डेवलपमेंट का हिस्सा है। मैनेजमेंट में तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो ग्रोथ होगी नहीं। सर
आप में कॉन्फिडेंस है इसलिए आपने हमको क्रिटिसाइज करने का मौका दिया। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं हो तो आप हमारे को भी डेवलप नहीं होने दोगे। बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने ऐसी सासुओं को देखा जो तीन बहुओं को योजनाबद्ध तरीके से लड़ा के रखती है, क्योंकि तीनों एक हो गई तो उसका तख्ता पलट देंगी। तो कुछ ना कुछ इसका उससे बोल दिया, उसका उससे बोल दिया, वो ऐसे बोल रही थी, वो ऐसे बोल रही थी। तो ये जो असुरक्षा है, ये जो अपने वजूद के लिए असुरक्षा है, ये दूसरे की ग्रोथ नहीं होने देगा, क्योंकि दूसरे की ग्रोथ हो गई तो इससे इसका अस्तित्व संकट में आ जाता है। इसलिए वहाँ पे ये नेगेटिविटी बना के रखना होगा। एक स्थिति बताई, जैसी स्थिति आपने बताई, जब व्यक्ति स्वयं के प्रति विश्वास के साथ होता है तो वो अपने में अपनी पहचान के लिए सुरक्षित महसूस करता है, उससे किसी से कोई खतरा महसूस नहीं होता है। जब हमको अपनी पहचान के लिए दूसरों से खतरा महसूस नहीं होता है, तब एक कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है कि दूसरों को आगे बढ़ता देख के आगे बढ़ाने में खुशी मिलती है। तो दूसरों से आगे बढ़ना है कि दूसरों को आगे बढ़ाना है? तो जब एक आदमी स्वयं के प्रति विश्वास में कमी के साथ है तो वो दूसरों से आगे बढ़ना चाहता है। जिसमें दूसरों से पीछे रह जाने का एहसास है वही आगे बढ़ना चाहता है। जिसमें स्वयं में आगे होने का एहसास ही है वो दूसरों को आगे लाने में, दूसरों को आगे बढ़ाने। तो यदि स्वयं के प्रति विश्वास है तो वो दूसरों को आगे बढ़ा के ही खुश होगा। तो इसका मतलब है कि जब मेरा स्वयं के प्रति भाव और विचार की मेरी स्थिरता आ गई है, मैं उसमें खुश हूँ, मेरा भाव और विचार हैप्पीनेस के साथ है, तो सूत्र है जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। तो मेरा हैप्पीनेस दूसरे तक जाएगा ही, मेरी स्टेबिलिटी दूसरे तक जाएगी ही, दूसरे तक जाएगी ही, तो उसकी स्वीकार्यता हमारे प्रति बनती ही है। और मिलके दूसरे के विकास के लिए मैं सहयोगी होऊंगा तो मुझको स्वीकारता ही है। उसको भी अपना भाव और विचार मैनेज करना आ जाए, उसको भी भाव और विचार अपना स्थिर करना आता, जैसे ही वो प्रोसेस उसको आशा बंधेगी और वो दिखाई देगा। यदि किसी को हमसे कोई योगदान उसकी ज़िंदगी में होता है तो उसको वो स्वीकारता है कि नहीं स्वीकारता है? यदि हमारे द्वारा कोई योगदान किसी की ज़िंदगी में होता है तो उसको स्वीकारेगा कि नहीं स्वीकारेगा? तो एक व्यक्ति जिसका भाव और विचार स्थिर हो गया है, दूसरा व्यक्ति जो अपने भाव और विचार को स्थिर करना चाहता है, दोनों के बीच में जब दूसरे का भी स्थिर होने लगता है, उसके से जो संबंध की अभिव्यक्ति है, ये दोनों के प्रति संबंध के प्रति विश्वास है कि दोनों मिलके साथ में चल सकते हैं। तो संबंध के प्रति विश्वास का मतलब है कि संबंध जिस अर्थ में था कि दोनों साथ मिलके चल सकें और अपने अधूरेपन से मुक्ति पा सकें, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। एक हारता है, एक जीतता है, ऐसा नेचर में है ही नहीं, नेचर में ऐसा ही है, सब साथ मिलके आगे बढ़ते हैं। भैया, स्वयं के प्रति विश्वास उसको होगा जो समाधान पूर्वक खुद को समझ रहा होगा। जो समाधान पूर्वक खुद को समझ रहा होगा वही दूसरे को समझ पाएगा और फिर वो संबंध में अपने आप से ट्रांसलेट हो जाएगा। वही दूसरे को समझ पाएगा और इसके मूल में, भैया पीछे एक माइक दीजिए, और इसके मूल में ये समझ में आया कि देखो अभी भी स्थिति यही है कि जब कोई व्यक्ति किसी को बहुत पसंद करता है तो क्या बोलता है, तुमने मेरे को समझा नहीं। तो जब कोई व्यक्ति भाव और विचार की स्थिरता के साथ है, जब वो किसी के साथ जीता है तो सामने वाले को ये एहसास होने लगता है कि ये मेरे को समझता है और दोनों के बीच में एक कनेक्ट बन जाता है। हाँ जी सर, एक्चुअली क्या है कि जयपुर से प्रशांत कुमार जायसवाल, जयपुर से हूँ। सुनील भाई और हम लोगों ने काफ़ी लंबे टाइम से साथ रहे हैं। कल की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जो जिससे ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। कल मैं 5 बजे जयपुर से चला और किसी कारणवश बस डिले होने से मैं बहुत परेशान होता 10 बजे यहाँ पहुँचा। और 10 बजे पहुँचने के बाद जब मैं, 2 बैग थे मेरे पास लगेज, और मैं यहाँ आया और फिर सुनील जी से मिला वहीं पर। सुनील जी ने बोला कि अच्छा आगे, तो बोला रूम का उनके ऊपर है। तो सुनील जी ने मेरे को बोला कि लाओ तुम्हारा एक बैग मैं ले लेता हूँ। मतलब मैं थका हुआ था, मैं रास्ते में थोड़ा सा गर्म भी हुआ था क्योंकि बस वाले ने अपने स्वार्थ के लिए 2 घंटे डिले कर दिया। तो मुझे लगा मैं इतना जल्दी पहुँचना चाह रहा था, थोड़ा सा आयोजन में भी अपना सहयोग देना चाह रहा था और मैं लेट हुआ हूँ। लेकिन सुनील जी ने बोला मेरी थकान गायब। और चूँकि जीवन विद्या का मैं भी शिविर किया हुआ, मैंने कहा कमाल हो गया,
ये बात कैसी दिल में चली गई, और उन्होंने भी ये बोला और मुझे इतना मतलब एकदम से 5 घंटे की सारी चीज भूल गया मैं, तो ये एक मेरे को एग्जांपल लगा इसका सामने। जब भी आपको ये स्वीकार होता है कि सामने वाले ने आपको स्वीकारा, ये जादू की तरह काम करता है। बढ़िया, तो ये बात क्लियर हो गई। अब तो एक स्थिति और बनी कि जब स्वयं के प्रति विश्वास होता है वो संबंध के प्रति विश्वास में रिफ्लेक्ट होता है, और जब संबंध के प्रति विश्वास होता है तो वो परिवार में समृद्धि के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। संबंध के प्रति विश्वास होगा तो संबंध कैसा होगा? शिकायत के साथ होगा कि शिकायत मुक्त होगा? तो शिकायत मुक्त संबंध हो जाए ऐसा हम सभी चाहते ही हैं, और ये कह रहे हैं कि अभाव की मानसिकता और अभाव से मुक्त परिवार हो जाए। थोड़ा सा समृद्धि को समझते हैं। मूल में ये कहने की, अभी के लिए इसको और विस्तार से आगे समझेंगे, मूल में ये कह रहे हैं कि जब एक आदमी स्वयं में तृप्त होता है, संबंध में तृप्त होता है, जब एक आदमी स्वयं में तृप्त होता है, संबंध में तृप्त होता है, ये इतनी बड़ी खुशी का खजाना है, ये इतनी बड़ी खुशी है कि फिर वो जो वस्तु के साथ जुड़ के मैं अपनी पहचान को ढूंढ रहा था, जो रूप बल धन पद से अपनी पहचान को ढूंढ रहा था, उसकी आवश्यकता नहीं रहती है, उससे बड़ी कोई पहचान मुझको मिल जाती है, तो फिर वहाँ पे वस्तु के साथ मेरा कनेक्ट अलग तरीके से बनता है। तो मैं दो बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ। किसी वस्तु की कमी, किसी वस्तु की कमी और कमी का एहसास, ये दो एक ही बात है कि अलग अलग बात है? क्या हो सकता है? किसी को वस्तु की कमी ना हो लेकिन कमी का एहसास हो, वस्तु की कमी ना हो, ऐसा हो सकता है? होता है किसी के यहाँ वस्तु पर्याप्त हो सकती है फिर भी दूसरों से कंपैरिजन करके अपने आप को छोटा महसूस करना, या अपने भीतर की जो असुरक्षा है उसके चलते तमाम साधन घर में होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को अपने भविष्य के लिए डर ही लगता रहता है कि भविष्य में मेरा क्या होगा। तो दो स्थितियों की मैंने बात करी, जब स्वयं के प्रति विश्वास में कमी होती है तो वो अपने भीतर में असुरक्षा के रूप में प्रकट होती है, असुरक्षा के रूप में, इनसिक्योरिटी के रूप में दिखाई देती है, यही भविष्य की चिंता के रूप में रिफ्लेक्ट होती है, यही दूसरे के साथ कंपैरिजन मोड में जाती है जब अपने पहचान के लिए काम करते हैं। तो इस रूप में किसी वस्तु के व्यक्ति के पास वस्तु की कमी ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन कमी का एहसास कितना ज़्यादा हो सकता है इसकी कोई सीमा नहीं। एक व्यक्ति जो हैंड टू माउथ है, हो सकता है उसके पास व्यक्ति साधन की कमी हो लेकिन कमी का एहसास ना हो, ऐसा हो सकता है, है ना? वस्तु की कमी भी हो, कमी का एहसास भी हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए हमारे पास 3 शब्द हैं, एक शब्द है जिसको गरीबी बोलते हैं। तो साधन की कमी भी है, साधन की कमी भी है, ओहो, साधन विहीन दुखी और दरिद्र, उससे दुखी भी है, दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को छोटा भी मानता है, और गरीब अमीर का मतलब है और समृद्धि का मतलब है। अमीर क्या चीज है? साधन, क्या लिखूं, साधन संपन्न, सुखी, सुखी लिखूं, दुखी और दरिद्र भी है। यदि दूसरों से कंपैरिजन करके अपने आप को छोटा महसूस करता है तो इससे ये पता चलता है कि मानसिक गरीबी पर्याप्त है। साधन हो सकता है लेकिन दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को छोटा महसूस करता है तो इसका मतलब है कि मानसिक गरीबी तो बहुत ज़्यादा है। तो गरीब की मानसिक गरीबी ज़्यादा है, और इस स्थिति में देखा जाए तो अमीर की मानसिक गरीबी ज़्यादा है। किसकी गरीबी ज़्यादा है? तो इस रूप में देखा जाए तो एक अमीर बहुत ज़्यादा मानसिक गरीबी के साथ हो सकता है,
लेकिन यदि मानसिक गरीबी नहीं है तो फिर वो समृद्ध है। एक व्यक्ति साधन के साथ भी संपन्न है, वो सुखी भी है और उदार भी है, तो तीन तरह के लोग हो गए। तो गरीबी और अमीरी का मतलब है कि मानसिक गरीबी और अमीरी में समान चीज क्या है, कि मानसिक गरीबी तो है ही है, दूसरे के साथ कंपैरिजन करने वाली मानसिकता तो है ही है, और जो चीज अलग अलग है वो क्या है, गरीब के पास साधन कम है, अमीर के पास साधन ज्यादा है, और अमीर साधन संपन्न है ये वो स्वयं मानता है कि उसका पड़ोसी बोलता है, पड़ोसी बोलता है। तो साधन भी होने के बावजूद उसको मेरे पास साधन मैं साधन संपन्न हूँ ऐसा नहीं लगता है, किसी की तुलना में अपने आप को कमी महसूस करता है। तो इस रूप में कहें तो समृद्धि का मतलब है अभाव का अभाव, समृद्धि का मतलब है अभाव का अभाव, समझ में आया, अभाव का अभाव, थोड़ा अभाव का अभाव हाईलाइट करो, अभाव का अभाव मतलब कमी की कमी हो गई, कोई कमी ना रही तो आवश्यकता से अधिक होने का भाव, इसका मतलब है कि आवश्यकता से अधिक होने का भाव, आवश्यकता से अधिक होने का भाव। तो भाव समृद्धि एक भाव है, अमीरी गरीबी साधन की कमी या साधन का ज्यादा होना है, लेकिन मानसिक गरीबी वहां पे मौजूद है। तो सभा में कितने लोग अमीर होना चाहेंगे, कितने लोग समृद्ध होना चाहेंगे? तो नया मॉडल आया है, पुराना मॉडल आउटडेटेड हो गया ना। एक समय गरीबी हटाओ बोल रहे थे, तो उनकी तो गरीबी हटी नहीं, बाकी का जो होना था हो गया। तो इसका मतलब है कि अमीरी और गरीबी दोनों ही मानसिक गरीबी है, और मानसिक गरीबी है तो दोनों ही कुछ गलत करेंगे और दोनों ही धरती पे कोई समस्या पैदा करेंगे। तो अमीरी और गरीबी दोनों ही धरती का बोझ है, आवश्यकता इस बात की है कि हम समृद्ध होना चाहते हैं, समृद्ध हो जाएं ये खुशी की बात है। चलिए, इस पूरी चर्चा से क्या निकला, हम जीने को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या पता चला, एक परिवार के जीने का स्वरूप इस पूरी चर्चा से हमने किस तरह से पहचाना, क्या पहचाना, एक परिवार का कैसे पहचानेंगे कि कोई एक परिवार जी रहा है या नहीं जी रहा है। माइक 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 सीक्वेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, स्वयं के प्रति विश्वास होने से संबंध के प्रति विश्वास समझ में आता है, पर उससे परिवार में समृद्धि आए या ना आए ये जरूरी नहीं है। इसका कारण ये है कि परिवार एक आदमी के या दो जनों के संबंध से नहीं बनता है, घर में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग विचारधारा। ठीक है, इस संबंध के प्रति विश्वास का मतलब ये ही है कि यही है कि सभी में स्वयं के प्रति विश्वास आ गया। एक परिवार में यदि सभी में स्वयं के प्रति विश्वास आता है उसके साथ सही है, अगर सभी के साथ जोड़ रहे हो, क्योंकि परिवार में एक व्यक्ति नहीं है, दो व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, आपका कहना बिल्कुल ठीक, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि यदि वो तो दिए से दिया जलने की बात है, ये पहले से भी बोलते ही रहे हैं, एक व्यक्ति में स्वयं के प्रति विश्वास आता है उससे दूसरे व्यक्ति में स्वयं के प्रति विश्वास जाता है तो भरोसा हो, है ना। नहीं तो बहुत सारी चीजें हम स्वांते सुखाए करते हैं, हमारे परिवार में ही मल्टीप्लाई नहीं होती है, यही हमारी पीड़ा है। जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कितने हम में से बड़ी उम्र के लोगों को माँ बाप को ये लगता है कि हमारे पास कुछ अच्छी चीजें हैं लेकिन हम अपने बच्चों तक उसको नहीं पहुँचा पा रहे। ऐसा हमको बहुत सारी जगह में लगता है। अब या तो वो अच्छी है नहीं, ये भी हो सकता है, या हमको उसको कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है ताकि वो बच्चों तक पहुँच पाए, है ना। तो इसका मतलब है संबंध स्वयं के प्रति विश्वास, सभी परिवार के सभी लोग स्वयं के प्रति विश्वास होंगे, विश्वासपूर्ण होंगे, तभी ये परिवार में वो मानसिकता आएगी। इसका मतलब है एक परिवार के जीने का स्वरूप क्या हुआ, तो एक परिवार के जीने का स्वरूप हो गया शिकायत मुक्त अभाव मुक्त परिवार। एक परिवार ऐसा जिसमें किसी संबंध में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है
और पूरे परिवार के सभी सदस्य ऐसा महसूस करते हैं कि जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उससे ज़्यादा परिवार में उपलब्ध है और ये भाव हमेशा बना रहता है, ऐसा कितना परिवार होना चाहेंगे? ऐसा कितना परिवार आप ना चाहो ऐसी हमारी कोई गुंजाइश नहीं, ये नेचुरल है। इसका मतलब ये हुआ कि धरती के सभी परिवार ऐसा ही होना चाहते हैं कि हमारे परिवार में किसी रिश्ते में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं हो। हमारे परिवार के सभी मेंबर्स मिलकर ये महसूस करते हैं कि जितनी हमारी आवश्यकता है उससे अधिक उपलब्ध हो जाए, और यदि आज अधिक नहीं है तो कैसे उसको मिलकर पूरा करेंगे, उसके लिए कोई योजना बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रिवर्स करके देखते हैं, कितने परिवार ऐसे हैं जो अभी ऐसा महसूस कर पाते होंगे कि हमारे परिवार में किसी रिश्ते में गिला शिकवा शिकायत नहीं है और पूरा परिवार अभाव की मानसिकता से मुक्त है। ऐसे अभी कितने परिवार होंगे, है ना? और यदि हैं तो इस साल आपने कितने परिवार मल्टीप्लाई किए? यदि कोई चीज़ आपके पास है तो मल्टीप्लाई भी होगी। तो यदि हम ऐसा जी रहे हैं तो हमारे माध्यम से कितने परिवार ऐसे मल्टीप्लाई हुए कि उन पर वो परिवार भी अभाव मुक्त शिकायत मुक्त हो गए? तो ऐसा भी उसको क्रॉस चेक करेंगे तो उसमें और सच्चाई सामने आएगी। तो इससे एक बात, और ये भारतीय परिवार का स्वरूप है कि पूरे विश्व के परिवार का स्वरूप है? ऐसा परिवार पूरे विश्व में कहीं भी रहता होगा, क्योंकि इससे ज्यादा परिवार में कुछ हो नहीं सकता, इससे कम में चलेगा नहीं, इससे अधिक भी कल्पना हम क्या करेंगे एक परिवार में रहते हुए। इसका मतलब है कि जब भी कोई चीज कम अधिक से मुक्त होती है, पूर्ण की परिभाषा है कि वो कम अधिक से मुक्त होता है। इसका मतलब एक पूर्ण परिवार का स्वरूप कैसा होगा, जो हमने शुरू में बात नहीं किया था कि यदि हमारे पास कोई पूर्ण आधार नहीं होता है, अभी हम अपने परिवार को अच्छा बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे? हमारे परिवार में एजुकेशन ज़्यादा है, दूसरे के परिवार में एजुकेशन कम है, इसलिए हमारा परिवार उनसे बेहतर है। हमारे परिवार में ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनके परिवार में नहीं है। हमारे परिवार में सबकी मिला के इनकम इतनी है, हमारे बिजनेस की इनकम टर्नओवर हमारा इतना है, दूसरे का नहीं है। अभी जब भी हम अपने परिवार की बात कर रहे होते हैं, उसकी किसी अच्छाई की बात कर रहे होते हैं, वो जाने अनजाने किसी के कंपैरिजन में चला जाता है, क्योंकि जो आधार हमारे पास हैं वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, वो तुलनात्मक हैं, इसलिए तुलना में जाएगा। अब यदि मैं कहता हूँ कि मेरा परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त है, या मैं अपने परिवार को शिकायत मुक्त अभाव मुक्त देखना चाहता हूँ, इसमें किसी से कोई कंपैरिजन है? इसमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मेरा परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाए, इसमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण आधार है, कंप्लीट आधार है। तो इस बात को मेरे को लगता है कि जिंदगी में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। सभी आयाम में ये सूत्र ऐसा ही काम करता है कि जब भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है, पूर्ण आधार नहीं होता है, हम बाय डिफॉल्ट कंपैरिजन में जाने के लिए बाध्य होते हैं, हम तुलनात्मक जीने के लिए बाध्य होते हैं। और जब भी तुलना में जाएंगे तो क्या होगा? कम अधिक, छोटा बड़ा, ईर्ष्या द्वेष, हीनता अहंकार, युद्ध और संघर्ष, ये सॉफ्टवेयर उधर ही जाएगा। तो जैसा हम ट्रैक पकड़ेंगे गाड़ी उधर ही जाएगी, केवल एक ट्रैक पकड़ने की ज़रूरत है। तो अपनी ज़िंदगी में हर आयाम में हम एब्सोल्यूट वैल्यू को पकड़ पाएँ। एक मानव के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, एक फैमिली के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, समाज के अर्थ में एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, इस प्लैनेट के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। तो जब तक सभी आयाम में हम एब्सोल्यूट को नहीं पकड़ पाते हैं, पूर्ण को नहीं पकड़ पाते हैं, हमारी यात्रा अधूरी ही रहेगी, क्योंकि अधूरेपन को पकड़ने से अधूरेपन के साथ ही जिएंगे। बात पहुंची? कौन बोलेगा, कौन रिपीट करेगा? कौन बोलेगा? पीछे माइक, आगे माइक, पीछे माइक, बस दो और नहीं, थोड़ा आगे आ जाइए। हेलो, मेरी गरीबी और समृद्धि,
एक गरीब व्यक्ति होते हुए भी वो समृद्ध हो सकता है और अमीर व्यक्ति होते हुए भी वह दुखी और दरिद्र और दीनहीन हो सकता है और अमीर भी समृद्ध हो सकता है। जी देखिए, इस चर्चा में बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि हमारी अमीरों को गाली देने की पुरानी आदत है। जब कोई व्यक्ति खुद अमीर नहीं हो पाता है तो अमीरों को गाली देने से एक सुकून मिलता है जी। तो ऐसा ना हो कि हम उस सुकून को पाने की ओर जा रहे हैं। तो इससे ये समझ में आया कि यदि मानसिक समृद्धि, यदि मानसिक रूप से स्वयं के प्रति विश्वास है तो अमीर भी समृद्ध, फिर समृद्ध ही कहलाएगा। तो इसके मतलब किसके पास कितने साधन हैं, तो ना साधन की कमी का एहसास हो, ये भी नहीं कह रहे हैं कि पेड़ पे बैठ के समृद्ध हो जाएगा। फैमिली लेके आदमी पेड़ पे नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब है कि ना साधन की कमी हो, ना कमी का एहसास हो, इस भाव का नाम समृद्धि है। तो फिर वस्तु की गणना वो परिवार तय करेगा कि उसके परिवार में, यहाँ ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आपको BMW नहीं रखना है, आप हेलीकॉप्टर रखिए। लेकिन हेलीकॉप्टर क्यों रखा है, इसका जस्टिफिकेशन आपके पास होगा, है ना। तो धीरे से आगे चलेंगे तो और क्लियर होगा। हाँ जी, इसमें मुख्य रूप से जो समृद्धि का आंकड़ा है या पैमाना है वो आपकी मन, विचार, भाव, इनके ऊपर निर्भर करता है। संसाधन बाद की वस्तु आता है, ये फैक्टर बाद का है, क्योंकि ये संसाधन किसी के पास कम या ज्यादा हो सकते हैं, रहेंगे ही रहेंगे, वो तुलनात्मक हैं। लेकिन भाव और यदि विचार ऊंचे हैं और संबंधों के साथ में आपस में जो आत्मविश्वास है, उसके जरिए जो संबंधों में विश्वास है, वो आपको एकजुटता बनाए रखता है और वो आपको और ताकत देता है। यही मुख्य रूप से। बहुत बढ़िया बढ़िया, तो ये क्लैरिटी। हाँ जी जी, मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहूँगा कि जो समृद्ध अपना संबंध में जो शिकायत कम से कम हो तो वो समृद्धि की ऊपर लिया जा सकता है। देयर में रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। फिर से बोलिए। अगर संबंध में शिकायत कम से कम हो तो वो संबंध सब समृद्धि के ऊपर लेके जाते हैं। मींस देज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। हाँ, उसमें कहें कि नेगेटिव बोलने के बजाय हम कहें कि जब भी हम एक दूसरे को सप्लीमेंट कर पाते हैं, एक दूसरे के पूरक हो पाते हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैंडल होने लगती हैं। चलिए, हाँ बेटा ठीक, कुछ बोला। तो इससे ये क्लैरिटी बनी कि पूरे विश्व के सभी परिवारों का जीने का स्वरूप एक ही है कि अलग अलग है। विश्व के सभी परिवारों के जीने का स्वरूप एक ही होगा कि अलग अलग होगा? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। विश्व के सभी परिवारों के जिंदा रहने का स्वरूप एक ही होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग ही होगा। तो अब ये समझ में आया कि जिंदा रहने का स्वरूप अलग अलग होगा, क्योंकि हम अलग अलग व्यवसाय करेंगे ही। हमारे घरों के डिजाइन अलग होंगे, कपड़ों के डिजाइन अलग होंगे, खान पान अलग अलग होंगे, उसकी मात्रा भी अलग अलग हो सकती है। तो जिंदा रहने का डिज़ाइन किसी भी जगह की भौगोलिक स्थिति, हमारी रुचि और आवश्यकता के अनुसार होगा। ये हम सब के लिए अलग अलग ही होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन इसमें जो कुछ अलग अलग भी है उससे कोई विरोध भी नहीं है। आपने नीला शर्ट पहना, मैंने सफ़ेद पहन लिया, इसमें कोई आपस में स्ट्रगल भी नहीं है। नेचर में सारे कलर हैं। लेकिन जीने के स्वरूप की बात करेंगे तो पूरे विश्व के लिए ये एक होगा कि अलग अलग होगा? आवाज़ में दम नहीं है। तो पूरे विश्व के सभी परिवारों के लिए जीने का स्वरूप एक ही है। हम चाह के भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं कि हमारा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए। इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, सभी परिवार इतना ही चाहते हैं। तो एक क्लैरिटी बनी कि जीने के स्वरूप को हमने पहचाना। और देखिए, सूत्र है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा। कोई परिवार ऐसा हो जाएगा तो क्या करेगा, कोई परिवार ऐसा हो जाएगा तो क्या करेगा, दूसरे परिवारों को ऐसा होने के लिए मदद करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई परिवार ऐसा हो जाएगा तो दूसरे परिवार भी ऐसा हो जाएं, दूसरे परिवार भी ऐसा हो जाएं। यही भय मुक्त समाज, यही भय मुक्त समाज का सूत्र है। भयमुक्त समाज का आधार है शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार। परिवार का बिल्डिंग ब्लॉक मानव है, समाज का बिल्डिंग ब्लॉक, समाज का बिल्डिंग ब्लॉक परिवार है। तो यदि परिवार रूपी ईंट में गड़बड़ है तो समाज रूपी मकान तो बेहतर बनने वाला नहीं है।
समाज बनने का एक ही मतलब है कि परिवार की स्थितियाँ कैसी हैं, तो सही अर्थों में परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हुआ है कि नहीं हुआ है। सभी परिवार ऐसे ही हो जाएं, सभी परिवार ऐसे ही हो जाएं, तो इसी को कहा वो कैसा जिएंगे, तो प्रकृति में संतुलन होगा, प्रकृति में संतुलन होगा, यही समाज और सरकार का काम है। सारा समाज और व्यवस्था का काम इतना ही है। मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ें बहुत कंक्लूड हो जाएंगी हमारे भीतर, तो हमको समझने में और अपने विचारों को गति देने में बहुत आसानी होगी। विश्व की सभी सरकारें और पूरे समाजों का इतना ही काम है कि सभी परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त होकर जी सकें। उसके लिए बाजार कैसा हो, उसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हो, उसके लिए एजुकेशन कैसी हो, कुल काम इतना है। इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, इससे कम में चलेगा नहीं। तो आज फर्स्ट डे, अगले 7 दिन में हम क्या करेंगे, उसकी नींव हमने रखने की कोशिश की है। अब इस पूरी चर्चा को देख के अब पहचाना जा सकता है कि कितने लोग जी रहे हैं, कितने लोग जिंदा हैं। क्या लगता है, क्या लगता है, हैं दोनों? कहीं कहीं पे फील होता है कि जी रहे हैं, कहाँ कहाँ पे होता है? स्वयं के प्रति विश्वास जो होता है वो संबंध के प्रति विश्वास में भी नजर आता है, तो हमें लगता है कि हाँ हम जी रहे हैं। जैसे यहाँ शिविर में आना, ये मेरा स्वयं के प्रति विश्वास था कि मैं कुछ नया सीखूंगी। तो उसी के साथ जब मैं एक तरह से आश्वस्त थी कि मेरे पति भी मेरी बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ तुम कुछ नया सीखोगी, उन्होंने भी यही बोला कि हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ, तुम कुछ नया सीखोगी। साथ में नहीं आए? नहीं सर। तो साथ में लाने का विश्वास नहीं था, आपको जाने देंगे सर, ऐसा विश्वास? सामंज से बिठाना होता है ना, पीछे भी बिठाना होता है। ये कुछ ऐसा है कि हम एक दूसरे का ये भाव और विचार, स्वयं के प्रति विश्वास की जब बात कर रहे हैं, तो भाव और विचार में मेरे भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदाई हो कि कभी कभी मेरे लिए सुखदाई हो? हमेशा हो। हमेशा हो तो इसका नाम विश्वास है, जब कभी है और कभी नहीं है इसमें थोड़ी गड़बड़ है। तो इसको समझने के लिए मैं क्वेश्चन आपकी तरफ डाल देता हूँ। ब्रेक का टाइम घंटे बजाओ ना, कुछ व्यवस्था बनाओ। जब भी ब्रेक होगा, क्योंकि वो चाय बनी है कि नहीं बनी है, इधर से मैं ऑफ कर दूंगा, तो चाय बनते ही और दोनों की टाइम मैच करके घंटी बजाने की व्यवस्था बना लेंगे। एक बहुत बढ़िया, मेरे को लगता है कि जितनी बात हो गई, अब हमारे कुछ कंक्लूजन सामने आने वाले हैं, उनको हम लेके आते हैं। उसके पहले जिंदा रहने और जीने को समझने के क्रम में, तो अभी तक अभी की चर्चा में क्या समझ में आया, जो कल तक जिसको जीना मान रहे थे अब वो जीना नहीं है, ऐसा कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या आया, क्या आया? हाँ जी, माइक। कल तक जिसको जीना मान रहे थे अब वो जीना नहीं है, ये समझ में आया, ऐसा क्या समझ में आया? माइक। ओके, मतलब जो जिंदा रहना है वो एक तरीके से सापेक्ष रहना, जीना है। हाँ, मतलब जीना तो स्वयं के अंदर है, जिंदा रहना सापेक्ष है। सापेक्ष, बहुत बढ़िया डेफिनेशन। अभी जो हम पूरी बात कह रहे हैं, अभी हमारा जीना सापेक्षता में होता है, जिसको हम जीना मान रहे थे, लेकिन जीना तो निरपेक्षता में होता है। निरपेक्षता का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है मेरे भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदाई हैं, ऐसा मैं चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ, ऐसा सभी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ऐसा सभी चाहते हैं इसका मतलब इसके होने की कोई संभावना है ही। जिस भी चीज़ को धरती के सभी मानव निर्विवाद रूप से चाहते हैं उसके होने की कोई संभावना है ही, इसका मतलब है ऐसा हो ही सकता है, उसको बोलेंगे निरपेक्ष विश्वास। तो अभी तक जिसको हम जीना मान रहे थे उसमें काफ़ी सारे गैप्स दिखाई देते हैं। क्या गैप दिखाई देता है भैया? भाव और विचारों का अभाव खालीपन है। हाँ, भाव और विचार का अभाव खालीपन है, उसमें जो कन्फ्लिक्ट है, द्वंद है, वो हमारे अंदर कोई क्लेश के रूप में बना रहता है। और आपने दो शब्द दिए थे, मन और चित्त, स्टार्टिंग में, तो मन जिंदा रहने के लेवल पे और चित्त जीने के लेवल? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते अभी, ऐसा नहीं बोल सकते, लास्ट में देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे।
तो चाय पिए बिना इतनी गहरी चर्चा नहीं हो सकती। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, 15 मिनट बाद। चाय पीजिए, लौट आइए, आज के दिन को बढ़िया से जमाएंगे। सभा के लिए जोरदार तालियां।